हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनेश किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिल्क ओट्स रेसिपी, जो एनर्जी और फाइबर से भरपूर है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम ओट्स, 300 ml दूध, 2 चम्मच चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू, बादाम और चिरौंजी है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब गैस पर एक बर्तन में दूध गर्म करने के लिए रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें ओट्स डालकर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ओट्स तले में चिपक न जाएं। फ्रेंड्स, अभी गैस का फ्लेम हाई है। इसमें उबाल आने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ दूध में उबाल आ गया है तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। यहाँ ओट्स को पकते हुए करीब 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डालकर मिलाएंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए बचा लेंगे। यहाँ ओट्स को पकते हुए करीब 4 मिनट हो गए हैं और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ओट्स को हम जितना पकाएंगे ये उतने ही थिक होते जाएंगे। यहाँ ओट्स लगभग बनके तैयार हैं। अब इसमें चीनी डालकर मिलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस हेल्दी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।